हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अफोर्डेबल रक्षाबंधन मेकअप लुक। जैसे फेस्टिव सीज़न आने वाले हैं, सो ये मैंने लुक क्रिएट किया है काफ़ी अफोर्डेबल। तो सबसे पहले मैंने लेंस वेयर कर लिया है और यहाँ पे मैं जॉय का क्रीम ले रही हूँ मॉइस्चराइज करने के लिए, और ये आपको 10 रुपीज़ में आराम से मिल जाता है मार्केट में। और नेक्स्ट मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ ओवरऑल फेस पे। फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन का फाउंडेशन, जो कि आपको 30 रुपीज़ में मिल जाता है लोकल स्टोर से। और इसका अप्लीकेटर काफ़ी अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, लेकिन कवरेज आपको ओके मिलता है सिर्फ, ठीक है। और अच्छा कवरेज पाने के लिए मैंने सेकंड लेयर अप्लाई किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी ओके कवरेज था। और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसको एज अ कंसीलर मैं अप्लाई करूँगी अपने आईलिड पे, ठीक है, और अंडर आई पे, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट अपने बेस को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर, और इससे अच्छे से मैं अपने बेस को सेट कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे आई मेकअप के लिए मैंने लिया है जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट, ठीक है। इसको मैं ट्रांजिशन शेड पिक कर रही हूँ और अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी, ठीक है, और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा मुझे स्मोकी लुक चाहिए, तो यहाँ पे मैं हिमालय का काजल ले रही हूँ, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल में मिल जाता है आपको। इसको एज अ आईलाइनर मैं अप्लाई करूँगी अपने आईलिड पे, और फिर आई ब्रश के हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है, स्मोकी लुक के लिए। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा आई शेडो या फिर आप काजल ले सकते हो अपने अंडर आईज पे लगाने के लिए, और इसको थोड़ा सा मैं इसको भी स्मोक आउट कर लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वाटर लाइन पे लगाने के लिए मैंने लिया है NYB का वाइट काजल, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, अंडर 100 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा है, पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो यह वाइट काजल मैं लगा रही हूँ। तो ब्लश और हाइलाइटर के लिए मैंने सेम पैलेट से सेम आई शेडो पैलेट से पिक किया है हाइलाइटर और ब्लश के लिए। नेक्स्ट मस्करा के लिए मैंने ब्लू हेवन का मस्करा लिया है, और न्यूड लिपस्टिक मैं अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे। सो ये मेरा मेकअप लुक डन है। सो आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे चैनल पे आते रहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।